हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलन ग्रेन के बाद ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक को कवर किए थे। आज हम उसके जो सारा जो एंड पॉइंट ऑफ इवेंट्स रहता है वहां पर आएंगे विद द टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। ना डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हम सिक्वेले समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, फिर समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या रहा है। पहले जी ये समझिए कि पॉलिनेशन होने के बाद द पॉलन ग्रेन्स लैंडेड ऑन स्टिग्मा पे आकर के पॉलन ग्रेन्स परागकण अवतरित हुए, और पॉलन ग्रेन्स व्हेन लैंडेड ऑन स्टिग्मा देन पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हुआ। कंपैटिबल इंट्रैक्शन था, मान लेते हैं हम यहां पर सीधा लिख के चलाते हैं, कंपैटिबल पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हुआ और कंपैटिबल पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस था उसके चलते पॉलन जर्मिनेशन हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट अब यहां से ये आएगा, क्लियर? ये पॉलन लैंड हुआ, पॉलन लैंडिंग हो गई, सीक्वेंस देखिए कैसा है, पॉलन जर्मिनेशन हुआ। पॉलन जर्मिनेशन की निशानी होती है क्या डेवलप होना, पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस होना, देन पॉलन ट्यूब इमर्जेस आउट थ्रू वन ऑफ दी जर्म पोर, एक किसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर आता है। ये बाहर आ गया पॉलन ट्यूब आने के बाद पॉलन ट्यूब क्रॉसेस स्टिग्मा, ठीक, देन पॉलन ट्यूब बढ़ाते जाइए आगे, ट्रांसवर्सस स्टाइल, सो इट विल ट्रांसवर्स द स्टाइल को पूरा आगे बढ़ा करके आएगा। आने के बाद यहां ध्यान दीजिए, यहां अपने पास ओव्यूल था और इसके अंदर में एम्ब्रियो सैक, जिस पे हम लोग सेल्स की बात कर रहे थे, ये कुछ ऐसा अपना एम्ब्रियो सैक था। देन इट एंटर्स दी ओवरी, तो ओवरी एंटर किया, ओवरी एंटर करने के बाद ओव्यूल की एंट्री। नाउ अ पॉलन ट्यूब कैन एंटर दी ओव्यूल फ्रॉम चैलेजल रीजन, फ्रॉम माइक्रोपालर रीजन और एनी रीजन, बट मोस्ट कॉमनली द पॉलन ट्यूब आगे आते जा रहा है, इट एंटर्स दी ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, क्लियर? सो इट एंटर्स दी ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल गाइडेड बाय फिलीफॉर्म एपरेटस, क्लियर? सो ओवरी एंटर करने के बाद ओव्यूल एंटर किया थ्रू माइक्रोपाइल, ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, ओव्यूल एंटर किया थ्रू माइक्रोपाइल, क्लियर? देन Then it enters into embryo sac. किससे? Through very 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 important, through synergids. याद रखें, pollen tube enters the ovule
थ्रू माइक्रोपाइल एंड पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू सिनर्जिड्स. इट कैन एंटर द ओव्यूल फ्रॉम चेलेसलेम, फ्रॉम इन बिटवीन रीजन और फ्रॉम माइक्रोपाइल, बट इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक ऑलवेज थ्रू द सिनर्जिड. हर समय एम्ब्रियो सैक की एंट्री जो रहेगी वो वाया सिनर्जिड होगी, और यही सिनर्जिड का फिलिफॉर्म एपरेटस जो रहता है उसको गाइड करता रहता है, गाइड करता रहता है. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस पॉलन ट्यूब व्हिच एंटर्स द सिनर्जिड थ्रू सिनर्जिड्स. अब इस पे ध्यान रहे, हमको ध्यान रहे कोई एक, दो में से कोई एक, दोनों से एंट्री नहीं होती, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड होता है, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड होता है. नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, दैट पॉलन ट्यूब बर्स्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड्स. सो व्हाट विल हैपन, मेल गैमेट्स यहां से एंटर करेगा, इसके बाद यहां जाएगा. तो मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड, कितने मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड, टू मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड्स. ध्यान रहे क्या क्या कहानी बनी, ओवरी में एंटर किया, देन ओव्यूल एंटर किया थ्रू माइक्रोपाइल, देन ओव्यूल एंटर करने के बाद इट एंटर्ड इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड्स. देन सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाकर के वो पॉलन ट्यूब का अपाइकल पोर्शन, ये जो अपाइकल पोर्शन, ये पॉलन ट्यूब गया, ये पॉलन ट्यूब आ गया, ये देखिए पॉलन ट्यूब आ गया. यहां पर अगर ट्यूब न्यूक्लियस था वो डिजनरेट हो जाता है. सामने की तरफ लीडिंग फ्रंट में हर समय आपको ट्यूब सेल मिलेगा, पीछे की तरफ फॉलो करते हुए दो जो रहते हैं वो मेल गैमेट रहते हैं. साइटोप्लाज्म में जैसे ही जाता है ये टिप फट जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस उसी समय डिजनरेट हो जाता है, ट्यूब सेल डिजनरेट हो जाता है, और ये दो मेल गैमेट जो रहते हैं ये किसके साइटोप्लाज्म में निकल जाते हैं, ये दोनों मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, ये दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो रहते हैं एक्चुअली ये सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो. नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहां से कहानी, वन ऑफ द मेल गैमेट, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड एग सेल. एग सेल इज अ फीमेल गैमेट, फंक्शनल फीमेल गैमेट, एंड दे विल फ्यूज. कल भी बताया दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज द सिनगैमी, एंड this will result in formation of a zygote, two-vein. clear? ये हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड पे तैयार है. the other male gamete, ठीक है, it moves toward the, it fuses with the, ये fuse कर रहे हैं किसके साथ, दो polar nuclei, and हमने कल भी बोला this is triple fusion, क्योंकि तीन हैप्लॉइड, दो अदर मेल गैमेट, अदर मेल गैमेट, द अदर मेल गैमेट वाज एन, द टू पोलर न्यूक्लियाई वेर एन एन, तो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन था, दिस वाज रिफर्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन, एंड दिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्लियर? और ये सारा जो इवेंट था ये हो रहा था कहां पर, सेंट्रल सेल में. अब इस पे थोड़ा समझे कि एक्चुअली क्या हुआ है, दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन चल रहा है, ठीक है. एक फर्टिलाइजेशन जो चल रहा है वो एग और मेल गैमेट के बीच में, ये युद्ध अलग चल रहा है, ये एन है, ये एन है, फ्यूज किए, इसको हमने बोला ये सिनगैमी है, यही गैमेट फ्यूजन है, यही एक्चुअल फर्टिलाइजेशन है, बिकॉज इससे इसका एंड प्रोडक्ट बनेगा जायगोट, टू एन. तो दिस इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, वेयर एज द अदर वन, द टू पोलर न्यूक्लियस, द टू पोलर न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द मेल गैमेट एन, एंड ये भी एन एन वाले. This is actually vegetative fertilization. या
चूंकि तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन है, दिस इज लेबल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन. इट इज वेजिटेटिव बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट और एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर विच इन फ्यूचर विल नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो दिस विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. लेबल इट एज पीई एन. सिंस एट ए टाइम विदिन एम्ब्रियो सैक देर आर टू फर्टिलाइजेशन. दिस इज अ दो फर्टिलाइजेशन विदिन अ सिंगल एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज रिफर्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन विच इज अ यूनिक यूनिक हॉलमार्क ऑफ अ एंजियोस्पर्म्स. तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एक चीज तो याद रहनी चाहिए, दिस प्रोसेस इज यूनिक यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स. क्लियर? सो यहां ध्यान दे, ये जायगोट एंड याद रखे. द जायगोट इज फॉर्मड एट द माइक्रोपाइलर एंड. क्या होगा भविष्य में चल करके, भविष्य में चल करके ये जायगोट जो रहेगा इन फ्यूचर विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड देन डायगोट मोनोकोट वो सारा अपना रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट. इधर आ जाइए, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो रहता है देन इट बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इन फ्यूचर विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एंडोस्पर्म. कहानी समझिए क्या है, दिस इज टू एन एन एंड देन एन, दिस इज थ्री एन एंड देन दिस इज अगेन थ्री एन एंड देन दिस इज अगेन थ्री एन, दिस इज टू एन, दिस इज ऑल्सो टू एन. सो विद इन एम्ब्रियो सैक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर विद टू डिफरेंट प्लॉइडी, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो और जायगोट. वी से then a zygote is a diploid structure, endosperm is a triploid structure. Clear? The endosperm develops prior to the development of the embryo. This will be a unique one. But see how the one uniqueness with the angiosperm is double fertilization. There is another one because ye dhyan rakhne ka hota hai. Whenever it is asked about endosperm, endosperm is seen with endosperm formation is seen in gymnosperm as well as angiosperms. What are the differences? Endosperm is what? Endosperm is a nutritive tissue which provide nourishment to the developing embryo. This gymnosperm, the endosperm is haploid. In angiosperm, the endosperm is triploid. It is pre-fertilized. This is post-fertilized. Here, now, this is just because of germination of megaspore, whereas this is the result of triple fusion. Here it is not the result of triple fusion. So triploid endosperm hona, then double fertilization hona. ये दो बड़ा खास landmark है जो आपको double fertilization के दौरान मिलेगा. आगे चल करके ये जो primary endosperm nucleus होता है, PEN जो होता है, PEC बनता है, that is primary endosperm से. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भविष्य में चल करके मैच्योर एंडोस्पर्म बनेगा. एंडोस्पर्म पहले बनकर तैयार होगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चालू होगा. मतलब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हर समय पहले होगा एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हर समय माइक्रोपाइलर एंड पे होगा और वो पूरा नरिशमेंट जो रहेगा एंडोस्पर्म का वो यहां पर मिलेगा. तो एंजियोस्पर्म्स में जब बात आती है हॉलमार्क की, तो आप 11, 12 ये सारी चीजें मिला करके देखेंगे, दो तीन चीजें एंजियोस्पर्म्स में बड़ी खास है जो आपको ध्यान रखनी है. पहला, एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स का, वेसल्स इन जाइलम, ये यूनिकनेस होती है. दूसरा, डबल फर्टिलाइजेशन. ये तो ये मान के चलिए ये आप बड़ा ही यूनिक कैरेक्टर है. वेजल्स के लिए तो थोड़े बहुत एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी के दायरे में हैं तो आप बिना एक्सेप्शन के करिए और ये सारे लेते चलिए प्रोटोटाइपिक के तौर पर. और तीसरा, जब हम बात करते हैं तो वो एक ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का बनना. ये तीन चीजें यहां से बड़ी खास निकल के आती है जिनपे सवाल बनता है, इसलिए तीन पॉइंट्स को याद रखिए. दीज थ्री आर यूनिक कैरेक्टर फॉर द एंजियोस्पर्म्स.
और ऐसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डबल व्हाट विल हैपन पोस्ट डबल फर्टिलाइजेशन, सिंस डबल फर्टिलाइजेशन आकर पोस्ट डबल फर्टिलाइजेशन सिनर्जी डीजनरेट एंटीपोडल डीजनरेट। तो मैंने कल भी यही लेक्चर में, इस लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने यही बताया था कि एक्चुअली दो ही चीज रहती है जो एक एम्ब्रियो सैक की परसिस्ट करती है आगे तक, अदरवाइज जो पांच स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तीन एंटीपोडल और दो सिनर्जी डीजनरेट कर जाते हैं। तो इस तरीके से आगे चल करके हम एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के तरफ मुड़ते हैं। क्लियर, थैंक्स अ लॉट।